दिवाली को लेकर बाजारों में अभी से रौनक देखने को मिल रही है। हर जगह सजावट के सामान बिक रहे हैं, क्योंकि दिवाली होता ही है घर को खूबसूरत बनाने के लिए। हम पूरे घर को अपने साफ सफाई करके खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे ऐसे कई तरह के हम लटकन लगाते हैं, झालर लगाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कई तरह के फूल, कई तरह के अलग अलग लटकन जो आपको दिख रहे होंगे, आपके पिंक, ग्रीन, ऑरेंज और साथ में रेड, अलग अलग कलर्स के आपको झालर मिल जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे कई तरह के माला मिलेंगे, जो कि लक्ष्मी भगवान, गणेश भगवान पे हम लोग चढ़ाते हैं, या किसी और भगवान पे भी अगर आपको चढ़ाना है तो आप यहाँ से माले ले जा सकते हैं। अभी हम हैं मेन रोड चास गुड्डू गिफ्ट के दुकान में, जहाँ की आपको लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज मिलेगी। किस चीज़ की? तो घर के सजावट के सामान की। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लैम्प है, बहुत खूबसूरत सा लैम्प है, जिसमें कि शुभ दीपावली शुभ लाभ लिखा हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, गणेश जी बने हुए हैं। अब इससे खूबसूरत लैम्प मैंने आज तक नहीं देखा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही यहाँ पे कई तरह के माला मैंने आपको दिखाया, छोटे माला, बड़े माला, वाइट कलर के माले सारे कुछ आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको लटकन लड़ियाँ बहुत सारी अलग अलग कलर के मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ कई तरह के स्टिकर्स मिलेंगे, शुभ लाभ शुभ दीपावली, कई तरह के स्टिकर्स आपको मिलेंगे, कई तरह के झालर आपको मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कई तरह के झालर आपको घर में लगाने के लिए मिलेंगे, वेलकम लिखे हुए, शुभ दीपावली लिखे हुए। यहाँ कई तरह के स्टिकर्स घर के जो द्वार पे लगाए जाते हैं माता के पूजा के लिए, दिवाली के दिन ये लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पत्ते के शेप के, पैसे के शेप के और कई तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टिकर्स। साथ ही यहाँ कई तरह की रंगोली, आपको हर साइज़ की रंगोली मिलेगी, आपको पेपर की, प्लास्टिक की, हर तरह की रंगोली मिलेंगी। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल ये रंगोलियाँ हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ रेड है, कुछ पिंक है, कुछ मिक्स कलर हैं, अलग अलग वैरायटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कई कलर्स में आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आप माला देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो लटकन जो हम द्वार पे लगाते हैं, कितना खूबसूरत है। अगर आप इससे इस बार दिवाली अपने घर को सजाएंगे तो घर भी आपका उतना ही खूबसूरत लगेगा, आपके घर के कलर से मैच करता हुआ। आप कोई भी यहाँ पे लरी जो है वो ले जा सकते हैं, झालर ले जा सकते हैं, शुभ दीपावली का स्टिकर ले जा सकते हैं, और भी कई चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो कि हम अंदर जाके शॉप में बात करके जानेंगे। हमें बताइए कि अभी सजावट को लेकर आपके दुकान में क्या क्या मौजूद है। पुनः सजावट को लेकर कैंडल है, पेपर है, शुभ दीपावली का बैनर है, आपका तरह तरह का बंदरवाल है और घंटी है, लरी है। कोई ले जाता है, मूर्ति ले जाता है, क्या रेंज पड़ जाता है सारी चीज़ों का? रेंज आपका 50 रुपये से चालू है और जितना हाई रेंज तक ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये लेना चाहे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, अगर हम ये ले तो इसका क्या रेट पड़ता है? 110 रुपये बॉक्स पैकिंग वाला और लूज वाला। ये जगमग जगमग एक लाइट भी दिख रहा है, इसका क्या कॉस्ट है और ये क्या है हमें बताए? ये लाइट वाला कैंडल है, इस साल नया आया है और सबसे खुशी की बात है कि इंडियन है। ये आपका 40 रुपये का है। और भी तरह के लाइट्स आप देते हैं क्या जी? नहीं, लाइट तो हम नहीं बेचते हैं, एक्चुअल में कैंडल बेचते हैं, इसलिए लाइट वाला कैंडल बेच रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइट वाला कैंडल कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर आप इस दिवाली मेड इन इंडिया कैंडल अपने घर में जलाना चाहते हैं तो आप ये आपके घर को बहुत खूबसूरत बनाने वाला है। साथ ही अगर आप तोरण द्वार लगाने वाले हैं तो ये भी आपके द्वार को खूबसूरत बनाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके के कई सारे लटकन लड़ियाँ आपको मिलेंगी, कुछ फूल के, कुछ मोती के, तो कुछ अलग अलग तरीके के। ये चास है और यहाँ आपको हर चीज़ का स्टॉक मिलेगा। अगर आपको एक लटकन पसंद करते हैं और आपको कलर नहीं पसंद तो उसके अलग कलर के भी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सब चीज़ का यहाँ स्टॉक रखा हुआ है, आप इसमें से भी चूज़ करके पसंद करके यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, जो आपके मन पसंदीदा सामान हो वो आप ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि ये चास है और पूरे बोकारो से लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो चास है वो सबसे वैरायटीज़ वाला मार्केट है, यहाँ कई वैरायटीज़ मिलती है सारी चीज़ों की। साथ ही यहाँ बहुत रीज़नेबल रेट में, सस्ते रेट में आपको सामानें मिल जाती हैं जो कि लोग ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयलक्ष्मी नारायण जी, जो कि चास में ही रहते हैं, चास को ही देखते हैं, चास से बहुत वाकिफ़ है। हमें बताएं कि लोग यहाँ आके ख़रीदारी करना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि हमारे दर्शकों को कि चास जो है वो बहुत ही हब है, हर चीज़ों का यहाँ पर होलसेल होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये सत्य है कि चास एक
बहुत पुराने समय से इन सभी चीज़ों का आप खिलौना ले लें, सजावट की सामान ले लें, मोमबत्ती ले लें, जो खास करके दिवाली की बात है। और उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो उन सभी चीज़ों का यहाँ होलसेल होता है, पटाखा से लेकर सभी चीज़ों का यहाँ होलसेल होता है। तो लोग जो है वो सेक्टर नहीं, पूरे बोकारो जिले के लोग और अगल बगल जिले के लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने आते थे। लेकिन चास में जो मेन रोड की जो समस्या थी जाम की, उसके वजह से बहुत व्यापार यहाँ प्रभावित हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोग जिनको सस्ता लेना रहता है, जो होलसेल करना चाहते हैं, वो यहीं से सामान लेके जाते हैं, उसके बाद उसका खुदरा सामान ले जाकर अपने जगहों पर बेचते हैं और अच्छी कीमतें वहाँ वो कमा पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मेन रोड का जहाँ अभी हम लोग शूट कर रहे हैं गुड्डू खिलौना में, यहाँ आपने दिखा कि किस प्रकार से वेराइटी है सामान सजाने की। और इस रूट से आप आगे बढ़ेंगे तो भालोटिया गली है और वहाँ पर लाइट की दुकानें हैं, जहाँ की तमाम तरह की लाइटें जो लरी में, जो दिवाली में लोग अपने घर को सजाते हैं, उन सभी चीज़ों का वैरायटी वहाँ उपलब्ध होता है। उसके बाद वहाँ बगल में श्रीराम सेल्स है, नमन ट्रेडिंग है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की भी जो दुकानें हैं उनकी भी होलसेल यहाँ उपलब्ध होती है। लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, फर्नीचर से लेकर जितनी चीज़ें जो दिवाली में लोग हर बार धनतेरस के दिन जो खरीदते हैं। तो आप धनतेरस के दिन अगर चास आएंगे तो चास के जाम को अगर ना रहे तो चास में जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो पूरे बोकारो जिले में कहीं नहीं। यहाँ अगर चास में अगर जाम न हो और पार्किंग की सुविधा हो तो यहाँ के व्यापारी थोड़ा सा और खुशहाल रहेंगे। बहुत लोग सेक्टर से जो आने वाले हैं और बाहर से आने वाले हैं, उनको पार्किंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत है जिसके चलते वो चास का मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं जाम के वजह से, और पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। बस इतना ही मैं कहूंगा आपके माध्यम से। जैसा कि आपने सुना कि ट्रैफिक की व्यवस्था अगर सुधर जाए तो लोग यहाँ और ज़्यादा आ सकेंगे, कि अभी भी लोग आते हैं बोकारो के हर कोने से, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज मिल जाती है तो शायद लोग ज़्यादा आए और व्यापारी यहाँ के खुशहाल हो सकेंगे। हालांकि अगर दिवाली में अगर आपको अपने घर को खूबसूरत बनाना है तो ऐसे कई आइटम्स आपको चास में मिल जाएंगे। यहाँ गुड्डू गिफ्ट्स में भी आपको कई वैरायटीज मिलेंगे। अगर आप स्टॉक में से कुछ पसंद करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आए और शॉपिंग करें। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।